पूजा कीमती और उनके साथ एक लड़का था, उन्होंने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए थे यहाँ से। उन्होंने मुझे मारा इतना था, मुझे उठने की हिम्मत नहीं थी। और ये कहते हैं वो यहाँ पर है ही नहीं, डेली उनके घर पे जाते हैं, बोलते हैं ये वो यहाँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सेवन इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। अभी हम बागे बहु पुलिस स्टेशन के बाहर हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक महिला मौजूद हैं। और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए कितने सख्त कानून बनाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं जिसको पिछले एक डेढ़ महीने से जो है पुलिस स्टेशन के चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कारण क्या है हम इन्हीं से जानते हैं। मैम क्या नाम है? नाम तमन्ना। तमन्ना कहाँ रहते हो? बहुफोर्ड में। हाँ तमन्ना, बताओ फिर पूरा डिटेल में क्या हुआ है आपके साथ? इसका मतलब कि इसके जीजू के साथ अफेयर चल रहा था, तो इन्होंने क्या बोलते हैं इसके घर वालों ने मेरे पे ब्लेम लगाया, तूने पैसे लेके उससे खाए हैं। तो ये मैंने बोला कि मैंने नहीं लेके खाए हैं, अगर जिसके पैसे होते हैं उनके उसके पास प्रूफ होते हैं, कॉपी पड़ी होती, सब कुछ पड़ा होता है। उसके बावजूद भी इसके इन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने शुरू कर दिया, और उसके बावजूद भी मुझे बदनाम करने शुरू हो गए। भैया मैंने उस पर भी मैंने चुप रही, कुछ नहीं किया। फिर उसके बावजूद भी मेरे घर वालों को, मेरे हस्बैंड को बोलती है होटलों में जाती है, यहाँ करती है, वो करती है। अगर मैं गलत हूँ जिस जगह, मुझे प्लीज़ उस वजह से अंदर रखे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी कल को। मेरे ये कहते हैं पुलिस वाले डेली उनके घर जाते हैं, ये वो यहाँ पे है ही नहीं। अगर वो यहाँ पे है थी ही नहीं तो उसने हमला कैसे कर दिया मुझ पर आकर? किसने किया हमला पे? पूजा कीमती और उनके साथ एक लड़का था। उन्होंने पूजा कीमती क्यों हमला क्यों हुआ? पूजा कीमती कौन है ये लोग? ये कासिम नगर में रहते हैं यहाँ पर। तो इनके साथ कोई लड़ाई नहीं थी, उसकी वाइफ के साथ मेरी लड़ाई थी, कुछ भी लड़ाई नहीं, छोटी सी बात पे लड़ाई हुई खाली। बस इन्होंने क्या किया, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर आके हमला किया इन्होंने। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर नहीं है वो, तो फिर मेरे ऊपर हमला कैसे हो गया, मुझे मारा कैसे? कौन कहता है यहाँ पे? पुलिस स्टेशन वाले डेली कहते हैं कि यहाँ पे है नहीं। एक महीने से चक्कर काट रही हूँ, क्यों चक्कर काट रही हूँ, किस वजह पे? अगर लोग, अगर मोदी ने कहा है कि मतलब कि लड़कियों की मतलब सुनाई होती है, तो इस टाइम लड़कियों की सुनाई कहाँ पर है? कब दी थी आपने एप्लीकेशन? मैंने दी थी अप्रैल की 26 तारीख को, उसके बावजूद भी मैं हॉस्पिटल में रही हूँ। तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, उसके बावजूद इसलिए मुझे मीडिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा आधी रात पड़ी। अब आप क्या चाहते हो? मेरा इंसाफ हो बस। किस तरह के इंसाफ की मांग करते हो? मतलब कि इन पे पर्चा लगना चाहिए। FIR नहीं लगी अभी? नहीं लगी, इन्होंने FIR नहीं लगाई। जिस दिन मुझे लगी उस दिन मैं थोड़ी बेड से उठ के आ सकती हूँ दो मिनट में कि मैं ठीक हो गई हूँ, भाई मेरा पर्चा लगाओ। मैं दो दिन घर में बेड पे पड़ी रही, मेरे हस्बैंड ने इनसे बात भी की कि अभी वो ठीक नहीं है, दो दिन बाद हम आएंगे, इनको बुलाना। डेली बोलते हैं वो थाने में बैठे हुए सर, वो बैठे नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, वो घर पे बैठे होते थे, वो हमें बोलते थे यहाँ पे। वो बोलती है पुलिस वालों ने मेरा क्या कर लिया, मैंने पुलिस वालों को पैसे दिए हैं, मेरे पास तो पैसे हैं, मैं पुलिस वालों को पैसे दूँ? मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे, मेरा पति तो मेरे को पैसे देता नहीं है। जो आपके साथ मारपीट हुई उसका अपने MLC वगैरह कोई मेडिकल रिकॉर्ड बनाया? हाँ जी, ये यहाँ पे ये मेडिकल बनवाया है, ये देखें आप, MLC करवाया है। बोलते हैं आपको कोई और काम ही नहीं है, आप डेली आ जाते हो यहाँ पर। भैया अगर पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? तो अभी ये फिर मैं इसका मतलब सुसाइड कर देती हूँ, पुल से छलांग मार देती, दुनिया मर जाती, मैं भी मर जाती हूँ अपने बच्चे को लेके, जब इंसाफ ही नहीं है इस दुनिया में। ये एप्लीकेशन आपने बागी बहु थाने के लिए लिखी है? इससे पहले ये दी थी। इससे पहले ये एप्लीकेशन के द्वारा दी गई है? अभी जो जिन लोगों ने आप पे हमला किया वो लोग हैं कहाँ पे? भैया है जम्मू में ही है, ये डेली बोलते हैं अगर उसके मम्मी पापा को उठा के लाएंगे ना वो एक मिनट में आ जाएगी। ये उनके मम्मी पापा को क्यों नहीं उठा रहे हैं? फिर घर में चाहे बच्चा मिलता है, चाहे माँ मिलती है, चाहे जो भी मिलता है, उसको उठा के लाएं, उनको अंदर रखें, जब वो आएंगे उनको तब छोड़ दो। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मुझे, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं डेली पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती हूँ, पुलिस वाले डेली यही बोलते हैं वो यहाँ पे है ही नहीं। कल मैं SI को उनके घर पे लेके गई थी, उसकी मम्मा ने बोला परसों, तो वो यहाँ पे है ही नहीं, उसने मेरी लड़की ने शादी नहीं किया, वो ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा उसका मेरे पास सबूत पड़ा है, उसका मेरे पास डिवोर्स पेपर पड़ा हुआ है जो मेरे पास है। ये जो कीमती लड़का है ये भी यहीं पे जम्मू में ही है? हाँ जी, इसने शादी जम्मू में की हुई है। आज कहाँ पे है ये? भैया इसका घर भी जम्मू में ही है, इस टाइम जम्मू में ही है ये। पुलिस वाले इनके इस यहाँ पर लगा हुआ है क्रिश्चियन को यहाँ पर, वो इनकी सपोर्ट बड़ी कर रहा है, वो कहते हैं वो यहाँ पे है ही नहीं। फिर इनको फ़ोन करके बता देते अगर हम जो बात यहाँ पर कर रहे हैं, उनको उन तक कैसे खबर पहुँच रही है कि हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कोई सपना आ रहा है?
यहाँ पे जो SHO है ना वो कीर्ति मैम है, यहाँ पे तो आप उनसे नहीं मिले, वो भी एक लेडी नहीं है। उनसे मिली कीर्ति मैम ने बोला कि उनके घर पे जो मिलता है उसके मम्मी मिलती है पापा मिलता है आप उठा के लाओ। भैया हम उनके घर गए तो वो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसके पापा थे नहीं, छत पे बैट लगा था उसी टाइम उसके पापा गायब हो गए। बच्चों को पूछा कहते तेरी मम्मा कहाँ है तो वो कहते मेरी मम्मा का पता नहीं, कहते पापा कहते हमें पता नहीं। कौन सा बच्चा होगा जिसको माँ बाप का पता नहीं होगा, मेरा छोटा बच्चा इसको पूरा पता है मेरी मम्मा कहाँ है कहाँ नहीं इस टाइम। हाँ जी, अब आप क्या चाहते हैं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, कार्रवाई हो? हाँ जी, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले। इन्होंने मुझे मारा किस वजह से, इन्होंने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए थे, मैं किससे हेल्प मांगू जाकर? इस टाइम तो कोर्ट भी नहीं खुले हैं, कोर्ट भी बंद है, इस टाइम किसको बोलूँ जाकर? या तो होना कोई साथ में कि मतलब कि क्या बोलते हैं साथ में कंधे से कंधा होने वाला, तो उसको बंदा कहता है कि नहीं चलो आप मेरे साथ कोई मेरे साथ, तो इसके पापा भी नहीं जाके पुलिस स्टेशन राजी, तो वो बोलते हैं पैसे 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 मांगते रहते हैं। हमने कहाँ से लाने हैं पैसे? इतने पैसे हैं हमारे पास? अगर हमारे पास इतने पैसे होते हम अपने बच्चे को नहीं अच्छी तरह से देख पाते? ये सारे मांगते हैं, ये पैसे ही मांगते हैं सारे। हाँ जी, मेरे से नहीं मांगे, मेरे हस्बैंड से मांग रहे थे, वो आए थे यहाँ पे। हाँ जी, जिस टाइम ये एप्लीकेशन है सारी दर्ज की, वो उस टाइम हॉस्पिटल जिस दिन मेरा MLC हुआ उस दिन रात को 11 बजे मतलब कि मुझे हॉस्पिटल ले गए। अगर जैसे अगर मैं कहती हूँ जैसे मेरे लिए पुलिस स्टेशन आधी रात को खुला हो सकता है, उनके लिए भी तो खुला हो सकता था ना, कि वो भी तो आ सकते थे ना पुलिस स्टेशन आधी रात को, वो घर क्यों चले गए फिर? घर नहीं ना जाना चाहिए था, फिर पुलिस स्टेशन आना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये वो, तो तुम भी पुलिस स्टेशन आते, अगर मेरी अगर सुनवाई होती तुम्हारी भी होती, दोनों तरफ से लगता पर्चा, फिर पता चलता किसकी गलती है किसकी गलती नहीं। तो इन्होंने जब मैंने रिकॉर्डिंग्स इनको दिखाई, मेरी रिकॉर्डिंग्स इन्होंने सुन ली, तो उन मतलब कि मेरी रिकॉर्डिंग्स उन्होंने सुन ली, उनकी नहीं सुनी, तो मेरी बात को इसका मतलब दबोचा जा रहा है ना इस टाइम। किस तरह की रिकॉर्डिंग थी वो? भैया इतनी गंदी गंदी रिकॉर्डिंग्स बोली है ना मुझे, मैं क्या बताऊँ आपको क्या क्या बोलूँ। गालियाँ दी? हाँ जी, रिकॉर्डिंग्स व्हाट्सएप में मुझे गालियाँ दी। मैंने इनको जब दिखाने की कोशिश की, ये बोलते हैं कि नहीं वो यहाँ पे है ही नहीं, एक महीने से मुझे लटकाए जा रहे हैं। जब वो आई तो इसके बाद उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया, ये बोलते वो है ही नहीं यहाँ पे, फिर भी बोलते हैं यहाँ पे है ही नहीं, फिर हमला कैसे हो गया मेरे ऊपर अगर वो यहाँ पे थे नहीं? और कोई लोग किसी ने देखा हो या कुछ हो इस तरह का, क्योंकि अब रोड पे यहाँ पे कहीं पे हमला होता है तो बाकी लोग भी देखते हैं? भैया उस टाइम मैं स्कूटी मोड़ने नीचे से गई थी घर के, हमारे घर की गली में जगह नहीं है, मैं रोड से स्कूटी मोड़ने गई, मैंने वहाँ पे फ़ोन करने लगी थी इसके पापा को, इससे पापा से बात कर रही थी, तो इन्होंने ना ये कहीं से पता नहीं तीन जने आए, इन्होंने मुझे मारा। तो पहले मुझे ये तीन जने थे तो इन्होंने मुझे मारा, इनके पास रॉड भी थी, इन्होंने गर्दन पे यहाँ पर मुझे रॉड मारी, ये देख लो नेल्स वगैरह लगे हुए हैं, इन्होंने मुझे मारा। तो ये बोलते हैं हमारे साथ कोई था ही नहीं, हम अपने मैं और मेरी बेटी, अगर मैं इन तीनों को कैसे मार सकती, मैं अकेली जनी कैसे तीनों को मार सकती, आप खुद सोचो। तीन कौन कौन थे? कीमती और इसकी वाइफ पूजा और एक और लड़का था इनके साथ, वो उसका नाम नहीं मुझे पता। गाड़ी वगैरह थी उनके पास या वैसे ही स्कूटी? ये तीन चार दिन से ना मेरे घर के बाहर चक्कर लगा रहे थे। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बोला कि क्या बोलते हैं यहाँ पे चक्कर लगाए जा रहे हैं, ये तुझे ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे। भैया ये तीन चार दिन से हफ्ते से मतलब कि चक्कर मेरे घर के बाहर काट रहे थे। इन्होंने फिर आके मुझ पर हमला कर दिया। अब इस बार हमला होगा, मैं किस पे मतलब किसको कहूँगी, इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो ये थी हमारे साथ तमन्ना जी जो कि बागेबहू में रहती हैं और पिछले 1.5 महीने से जो है पुलिस स्टेशन बागेबहू के चक्कर जो है लगा रही, जिस तरह से पूरी स्टोरी में इन्होंने बताया। और जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की, इन्होंने 26/4 को जो एप्लीकेशन दी, कंप्लेंट दी, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई जो है इनके द्वारा जो इन्होंने कहा कि अभी तक जो है कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली, कोई FIR वगैरह नहीं लगी है। और इनकी मांग है कि जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बागेबहू पुलिस स्टेशन में जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया, मैं अरफाज़ अहमद डैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।